कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अस्तु त्रिपाठी। साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावी महासमर के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। सत्ता में बैठे सियासी दल की कोशिश है कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर जनता में पैठ बनाई जाए, तो विपक्ष सरकारी कामकाज की खामियों को उजागर कर वोट हथियाने की फिराक में है और इसके लिए यात्राओं और सभाओं का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सीएम चौहान सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। साथ ही विकसित मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर समृद्ध मध्य प्रदेश का नारा भी बुलंद करने में जुटे। सीएम शिवराज सिंह का दावा है कि बीजेपी सरकार जैसे बीमारू राज्य को विकसित कर दिया है और अब सूबे को समृद्ध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के निधन के बाद पूरी बीजेपी मध्य प्रदेश में अटल अस्थि यात्रा निकालकर अटल जी के व्यक्तित्व को भुनाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि बीजेपी की इस कोशिश पर विपक्षी दल तंज भी कस रहे हैं। सरकार को निशाने पर लेकर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन गुटबाजी के दलदल में फंसी कांग्रेस के नेता सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा का कोई ठोस तोड़ नहीं निकाल पा रहे। कांग्रेसी नेता अलग अलग यात्रा और सभा का सहारा लेकर सत्तारूढ़ दल की नाकामियों को भुनाने में जुटे हैं। सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने पोल खोल यात्रा का भी आगाज किया है। प्रदेश की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा हर उस विधानसभा क्षेत्र में जा रही है जहां जहां सीएम शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अपनी जन न्याय यात्रा के जरिए मतदाताओं को कांग्रेस की ओर लामबंद करने की कोशिश में लगे, जबकि कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ आम सभाओं के जरिए अपने सियासी भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति को सफल बनाने की खासी मशक्कत कर रहे हैं। साफ है कि दोनों दलों को चुनाव जीतने के लिए अब यात्राओं का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों ही दल की यात्राओं और सभाओं में लोगों की भीड़ भी जुट रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभा और यात्राओं में भीड़ जुटना चुनाव में जीत की गारंटी हो सकती है? क्या वनवास झेल रही कांग्रेस को लोगों की इस भीड़ से संजीवनी मिल पाएगी और क्या जन आशीर्वाद यात्रा में लग रही भीड़ वाकई में सीएम शिवराज को आशीर्वाद दे रही है? ऐसे में आज चर्चा सियासत का भीड़ तंत्र के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो चुनावी साल है तो जाहिर है कि दोनों ही दल अपने अपने तरीके से पैतरे विभाजित, लेकिन इस बार के चुनाव में यात्राओं के बलबूते सियासी खेल खेलने का दौर खासा दिलचस्प। शुरुआत तो सत्तारूढ़ दल से हुई मगर विपक्षी दल कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही। पहले मुख्यमंत्री ने खुद नर्मदा यात्रा के लिए प्रदेश के लगभग 80 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं का नब्ज टटोला, तो बाद में एकात्म यात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरा। शिवराज सिंह चौहान के इन दोनों यात्राओं पर पहले तो कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का सियासी दांव चला, मगर जैसे ही किसान मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने किसान सम्मान यात्रा का श्री गणेश किया तो प्रत्युत्तर में कांग्रेस मंदसौर गोलीकांड को भुनाने के लिए कलश यात्रा निकाल दी। यही नहीं, ताबड़तोड़ तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने बहुचर्चित प्रीति रघुवंशी सोसाइटी मामले को मुद्दा बनाकर न्याय यात्रा भी निकाल दी। यही नहीं, कांग्रेस का तर्क रहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को उनकी जन्मस्थली महू से संविधान बचाओ यात्रा का भी शंखनाद कर दिया। अब जब शिवराज सिंह चौहान मतदाताओं को रिझाने के लिए जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस कहीं यात्राओं के मामले में पीछे न छूट जाए, इसलिए मिशन 2018 फतह करने के लिए जन जागरण यात्रा निकालने की रूपरेखा तय कर। हालांकि पहले इस यात्रा का नाम पोल खोलो यात्रा दिया गया था, मगर बाद में इसका नाम जन जागरण यात्रा कर दिया।
रूट चार्ट के मुताबिक इस यात्रा को उसी रास्ते पे चलना था जहां से जन जागरण यात्रा, जहां से जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी। लेकिन कहीं यह आरोप न लगे कि कांग्रेस भाजपा की नकल उतार रही है, इसलिए इस पर थोड़ा तब्दीली की गई। कुल मिलाकर चुनावी साल में दोनों दल यात्राओं के सहारे सत्ता की बैतरणी पार करने का सपना देख रहे हैं, पर सवाल यही है कि यात्राएं सिर्फ चुनाव के पहले ही क्यों? आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। तो मध्य प्रदेश में यात्राओं के सियासत कोई नई नहीं है। हर चुनाव में सियासी दल अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर यात्राओं पर निकल पड़ते हैं। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस यात्राओं के सहारे चुनावी दरिया पार करने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अपनी अपनी यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने में लगे हैं। और इन सबसे अलग कमलनाथ सभाओं के जरिए एक बार फिर से कमल को न खिलने देने का दम भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जोर आजमाइश का सिलसिला। यात्राओं के जरिए बीजेपी कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जारी। बड़ा सवाल, क्या सभाओं यात्राओं में उमड़ रही भीड़ वोटों में भी होगी तब्दील? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन राज्य की फिजाओं में चुनावी रंग गहराने लगा है। दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने राजनीतिक दांव पेच लड़ाने शुरू कर दिए हैं। जनता के बीच जाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने यात्राओं का सहारा लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी का मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी क्षत्रप अलग अलग यात्राओं के जरिए बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। अपनी यात्रा में सीएम बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर कांग्रेस की रीति नीति पर पलटवार कर रहे हैं। मोदी जी नया भारत बना रहे, उसके लिए हमें नए मध्य प्रदेश को गढ़ना है। मुझे विरासत में बीमारू मध्य प्रदेश मिला था, सड़क बिजली पानी कुछ नहीं था। कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया था, मेरे प्रदेश को तबाह कर दिया था। अरे अम्बा वालों, ऐसी सड़कें जैसी हमने बनाई कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? वहीं जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने भी कई यात्राएं शुरू की। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। हरदा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम कर्जा माफ करेंगे और कर्जा माफ, बिजली माफ, बीजेपी माफ। तो अलीराजपुर में कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र दे रहे हैं। हम सब जो है शपथ लेते हैं कि हमारी माँ कांग्रेस पार्टी और पंजा को जिताने के लिए ही हम काम करेंगे, और हमारे में से कोई माँ के साथ दुर्व्यवहार करने का, पार्टी के सामने खिलाफत करने का काम करे तो उसको काजल माँ पूछेगी, बड़ा देव पूछेगा। वहीं जन न्याय यात्रा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और जन जागरण यात्रा में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी बीजेपी सरकार पर निशाना साधकर शिवराज सरकार के कामकाज का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। 14.5 साल सपोर्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग दुखी है। इससे पहले बीजेपी ने नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा, एकात्म यात्रा, किसान सम्मान यात्रा निकालकर वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जबकि कांग्रेसी दिग्गजों ने अलग अलग कलश यात्रा, न्याय यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। इन दोनों सियासी दलों की इन यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। दिलचस्प ये भी है कि प्रदेश में चुनावी राजनीति और रणनीति महाकाल के इर्द गिर्द हो रही है। वहीं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूबे में सत्ता से डेढ़ दशक दूर रहने के बावजूद कांग्रेसी दिग्गज जनता के सामने बीजेपी की खामियां तो गिना रहे हैं,
लेकिन इन यात्राओं में अपनी ही पार्टी के नेताओं की टांग भी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस का घर बन के रह गई है, जिसे दिल्ली से आने वाली आवाज पर इवेंट करने की आदत लग गई है। कभी टिकट तो कभी पद की चाहत में एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस जहां पोल खोल अभियान के जरिए वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ इन यात्राओं के दम पर बीजेपी अब की बार 200 पार का सपना देख रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन यात्राओं में उमड़ रही भीड़ इन पार्टियों के लिए वोटों में भी तब्दील हो पाएगी, या फिर जनता दोनों दलों को अभी भी अपनी कसौटी पर तौल रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जब मध्य प्रदेश में हो रही हो यात्राओं की सियासत, कांग्रेस को खोई जमीन पाने के लिए करनी पड़ रही हो कड़ी मशक्कत, और भीड़ को देखकर बीजेपी अपनी जीत के प्रति हो अस्वस्थ, तो सवाल उठते हैं। अलग अलग यात्रा निकालने से क्या जनता के सामने जाहिर नहीं हो रही है कांग्रेस की गुटबाजी? सूबे में विपक्षी दलों को टक्कर देने के लिए क्या बीजेपी के पास सीएम शिवराज के अलावा नहीं है कोई चेहरा? बीजेपी और कांग्रेस की सभाओं और यात्राओं में जुटने वाली भीड़ क्या टिकट के दावेदारों का है शक्ति प्रदर्शन? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विकास मोन्द्रिया जी हैं, बीजेपी नेता। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के नेता। फिरोज जी, आपका स्वागत है। किशोर समृति जी हैं, पूर्व विधायक हैं, बीएसपी के हैं। किशोर जी, आपका स्वागत है। और पंकज पाठक वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले किशोर जी, आपसे, कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, बीजेपी यात्रा निकाल रही है, आप कहते हैं कि आपके पास सत्ता की कुंजी होगी, आपकी तो कोई यात्रा नहीं निकल रही है, जबकि ये ऐसा माना जा रहा है कि मिशन 2018 के लिए बिना यात्रा के सहारे आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, मिशन 2018 में हमारी पूरी तैयारी है। सरकार का 15 साल का जो कार्यकाल है, और कांग्रेस ने इन 15 साल में जनता के लिए क्या क्या जनता देख रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में चूंकि हम लोग 15 साल के कार्यकाल को तो कांग्रेस बुला रही है। नहीं, क्या कर रहे हैं हम? जो कर रहे हैं कि 15 साल में मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है जी। और 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण है जी। जो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिला पा रहा है, केंद्र सरकार लगातार उसके लिए लिखा पढ़ी कर रही है, लगातार प्रेशर बना रही है कि यहाँ पे ओबीसी को 27% आरक्षण होना चाहिए। तो जो काम मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा है, वो काम बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी की, जैसे हम लोग पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, 27% आरक्षण हम ओबीसी को देंगे। दूसरी बात, 50% से ऊपर तो आरक्षण आप ले नहीं सकते, तो 33-27, देखो 52% सुप्रीम कोर्ट का कहना है, 52% लेकिन जो बाकी जो बचा आरक्षण वो दूसरे वर्ग को मिलेगा जो लोग हैं, लेकिन ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बिल्कुल अनिवार्य। 33 और 27 सीधे सीधे लगभग 59 पहुंच जाते हैं, कैसे आप दे पाएंगे? 14% सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, भारत सरकार सारे राज्यों में, जिन भी राज्यों में ओबीसी को आरक्षण, वहां 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां 14% ओबीसी को आरक्षण है। नहीं तो क्या आप जो SC ST के लिए आरक्षण है उसको कम कर देंगे क्या? जिनका जो आरक्षण है वो बिल्कुल कम नहीं होगा, लेकिन ओबीसी का जो कम मिल रहा है ओबीसी को उसका फायदा होना चाहिए। 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी का। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप 33 पहले से है, 27 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 लेकिन पूरे राज्य 60% आरक्षण हो जाएगा, ठीक है ना? और गाइडलाइन है कि आप 52% से ज्यादा नहीं दे सकते, फिर कैसे आप देंगे 27? 27% चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भारत सरकार ने तय करके रखा है कि सारे राज्यों में पिछड़े वर्ग को 27% देना है जी, है ना? तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है, इसको करना है हमें। नहीं तो क्या बाकी राज्यों में 52% से ज्यादा आरक्षण है? नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन तो फिर 27 हो ही नहीं सकता। नहीं तो 27 इसलिए होगा कि यहाँ जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है उनको, उनकी जो मात्रा कम है और उन्हें ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है उसकी समीक्षा होना चाहिए। तो सीधे सीधे SC ST का आरक्षण कम होगा? SC ST का नहीं होगा कम। क्यों? इसलिए कि भाई ट्राइब्स तो हमारे यहाँ 19% से ज्यादा, अगर 52 की गाइडलाइन है तो 19% से ज्यादा पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दे सकते। हमारी तो मुख्य मांग है कि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है और दिल्ली सरकार का पिछड़े वर्ग का सीधा निर्देश है कि भाई आपको 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देना है। 15 साल में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ने ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे पाया। दूसरी बात, किसानों पर अगर हम बात करते हैं
तो ये तो सारी चीजें हम तो सवाल ये किए हैं कि बीजेपी पूरी तैयारी कर रही, कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही, बसपा चुप है? बसपा बिल्कुल चुप नहीं है, बसपा का अपना कार्यक्रम चल रहा है, बसपा का एससी के लिए, एसटी के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, बसपा अपनी कार्यालयों में, अपना क्षेत्रों में अपना पूरा काम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश से काफी प्रभारी आए हुए हैं, हमारी मीटिंगें चल रही है, तो हम भी पूरी तैयारी में हैं। और बसपा हर हाल में इस सरकार में बैलेंस पावर बनने की तैयारी में, सरकार को एक बड़ी चुनौती देगी, बसपा से ही मिलेगी चुनौती। मतलब 10-12-15 सीट जीत करके आप बैलेंस पावर करें? बैलेंस पावर की हमारी तैयारी, चूंकि हम लोग यहाँ कोई बहुत ज्यादा मजबूत है नहीं, कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले हम लोग तो कमजोर हैं जी, हम ये इस बात को मानते हैं। मतलब आप इस पे भरोसा कर रहे हैं कि हम 15-20 सीट, गठबंधन किससे होगा, बीजेपी से होगा, कांग्रेस से होगा, तो खैर बाद में बात करेंगे, हम आपके पास फिर से आएंगे। विकास जी, जब 15 साल में आपने विकास की गंगा बहा दी, आप विकसित प्रदेश कर दिए, समृद्ध प्रदेश की ओर बढ़ रहे, विकासशील प्रदेश कहते कहते विकसित प्रदेश हो गए यात्राओं में, आप क्या विकसित हुए हैं अभी नहीं, वो तो खैर बाद में हम पंकज जी से हम लेंगे उस पर टिप्पणी। विकसित प्रदेश से आप सीधे सीधे समृद्ध प्रदेश की ओर आप जा रहे हैं, तो फिर ये यात्रा निकालने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी जो समृद्ध हो चुका है, निचला तबका समृद्ध हो चुका है, गरीब सबल हो चुका है, तो फिर यात्रा क्यों निकाल रहे? सीधे सीधे चुनाव में आप प्रत्याशी उतारिए और चुनाव जीतिए, 200 का पार नारा तय करिए। देखिए त्रिपाठी जी, जनता से लगातार संवाद हो जी, जनता की बातें पता लगे, जनता को हमारी योजनाएं पता लगे, यही तो चुनावी व्यवहार होता है ना जी, यही लोकतांत्रिक व्यवहार है। और इसी व्यवहार के दम पे आज हम मध्य प्रदेश को 2003 में जीतने के बाद में इस समृद्ध बनाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर पाए हैं। अच्छा, विकसित हो चुके हैं क्या हम? यकीन है ना, बहुत सारे मामलों में विकसित हो चुके हैं, विकासशील से विकसित अब हो गए। देखिए, जिस पैमाने पे हमें मध्य प्रदेश चलाने के लिए 2003 में मिला था जी, तब से लेके आप देखेंगे तो कोई भी कह देगा जी, तब की सड़कें आज की सड़कें, तब के स्कूल आज के स्कूल, तब के गरीबों की हालत आज के उनकी समृद्धता, बिल्कुल मान रहा हूं, दीवार उठा देगा कोई आप श्रेणी पे आए, परिभाषाओं पे मत जाइए। अच्छा, चल लोकाचार की हम बात करते हैं तो हम एक नजरिए से बताते हैं, एक नजरिए को लोग भी समझते हैं और हम भी बताते हैं। परिभाषा किस में क्या होता है, विकसित किसे कहा जाएगा, विकासशील कैसे कहा जाएगा, ये अलग बात है। इसकी नई परिभाषा अभी तक नहीं बात जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ, नई कर दी हो, मुझे नहीं मालूम। मैं बड़ी स्पेसिफिकली बात बता रहा हूँ। एक होता है साहब बड़ा नक्शा एकदम टू दी स्केल बनाया जाए, एक होता है नजरी नक्शा होता है। तो जो लोकाचार की प्रकटीकरण लोगों को दिखता है, तब की सड़कें आज की स्थिति, तब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी और गांव जाने के लिए बस मुहैया नहीं होती थी, आज लोग अपने कर्म से और सरकार के सपोर्ट से घर में गाड़ियां आ गई हैं, मोटरसाइकिलें हैं, तो यही विकसित है। अगर घर की स्थिति बदल रही है और घर के आंगन के बाहर की रोड और मोहल्ले की दशा बदल रही थी, विकसित जी, विकसित हो गया, बिल्कुल सही बात। हमने सुना था कि आप 0 से 30-35 एंगल तक ले जाएंगे, फिर बाद में लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे कि 90 के एंगल, आप सीधे 180 पे ले गए, मतलब सीधे सीधे समृद्ध पे आ गए, कोई बीच में काटा ही नहीं है, सीधे 180 पे पहुंच गए। फिरोज जी, हमारे से सवाल करें, हमारे साथ दर्शक है, हेमंत है बालाघाट से, हेमंत जी सवाल करें। सर, मैं बालाघाट जिले से हेमेंद्र कुमार मनोटे बोल रहा हूँ सर जी। जी सर जी, शासन की योजनाएं तो बहुत अच्छी चल रही है सर जी, जी, परंतु सर जो भ्रष्टाचार के रूप में जैसे शासन के जो कर्मचारी है सर जी, जी, ये किसी भी प्रकार के सुन नहीं रहे। जैसे भ्रष्टाचार में मामला देखा जाए तो तहसीलदार के बाबू लोग और जनपद के बाबू लोग जब रिश्वत ले रहे हैं सर, जिला पंचायत आपने किस मामले में रिश्वत दे दी ये बता दीजिए सर जी। अभी बालाघाट का भी अभी बीच में मामला आया था सर, 2000 रुपए में जो बाबू पकड़ाए थे सर पीएम आवास, उसमें सर 2000 रुपए से रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए। मैं विकास जी सर से सवाल करना चाहता हूँ। चलिए चलिए जल्दी करिए उसे, आपके बालाघाट के हमारे साथ हैं किशोर समरीते जी, टीवी देख रहे हो तो आप देख लीजिए उनको, काफी सुदर्शन व्यक्तित्व है उनका जी, आज दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा के नहीं आए हैं तो थोड़ा सा कम दिख रहे हैं जी। जी जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत और जनपद में जो पीएम आवास है, शौचालय है, इसमें जो रिश्वत ली जा रही है, हमारी बीजेपी सरकार को ठीक कर रही, लेकिन
जो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से इनके सरकारी कर्मचारी इससे ज्यादा। चलिए चलिए, आपका सवाल आ गया विकास जी। वो बोल रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी बने भ्रष्टाचार आपकी लुटिया डुबोने में लगा हुआ है। हम आपसे उत्तर लेंगे। एक बाला दूर से सेवाराम जी सवाल सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल श्री विकास जी से है। जी, पिछले विधानसभा के चुनावों में जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें तो शायद कई घोषणाएं पूर्ण हो चुकी होगी। विकास जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप यह बताएं कि अब भी पिछले चुनावी घोषणा पत्र में कौन सी घोषणा अधूरी रह गई है जिस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया सर? बड़ा टेढ़ा सवाल किया सेवाराम जी। बताने के लिए, ये बताने के लिए मैं थोड़ी यहाँ आया। नहीं, कौन सी आपका ऐसा लगता है, विकास जी मैं उनके सवाल का संशोधन कर देता हूँ, हमारा कौन सा ऐसा काम है जिसको आपके दिल में कसर हो कि इस काम को हम थोड़ा सा पीछे रह गए? थोड़ी सा आप तो ये बोलेंगे मैं कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप 100% की जगह 99% नहीं कर पाए जिसकी कसक हो आप? हमारा जो संकल्प पत्र है उसको गंभीरता से लेकर 2013 से ही काम सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी जैसा सीएम साहब भी कहते हैं कि हमने बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें और भी करने की गुंजाइश है और हम इसके ऊपर आने वाले वर्षों में बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल विकास जी, इससे आपको उत्तर मिल गया होगा सेवाराम जी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत, शिक्षा में अभी भी कई हजार स्कूल में मास्टर नहीं है और स्वास्थ्य में अभी भी हमारे पास डॉक्टरों की पूर्ति नहीं है। पूर्ति नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं विकास जैसे ही ना, और वो सब 5 साल जब आपका अगला चुनाव आएगा वहां से पढ़ के निकल जाएंगे। 6 मेडिकल कॉलेज 5 मेडिकल कॉलेज ने खोल दिए। 50 साल 55 साल में 6 मेडिकल 7 मेडिकल कॉलेज सरकार ने आपने 15 साल में खोल दिया। पिछले 8 सालों में खोले, आप क्यों गलत? तो पिछले 8 साल में हम कर पाए, 15 साल में तो पिछले उससे पहले के 7 साल में हमें तैयारी करना पड़ेगी। नहीं तो आपकी तरफ से मैंने बता दिया गलत किया क्या? नहीं, 5 साल में आपने बताया 5 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, उनके जो डॉक्टर निकलेंगे तो डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी। पूरा साइकिल है जी जी। फिर सवाल है लेकिन दो और दशक है हमारे साथ। रीवा से कैलाश जी सवाल सवाल करें। पाड़ी जी नमस्कार। हाँ सवाल करें कैलाश जी। मेरा निवेदन ये है कि जन आशीर्वाद ये मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं जी, और यहाँ से जो है किसानों को इतनी परेशानी आ रही है, कह रहे हैं कि बैंक खाते दो खोले जाए तब आपको खादी बीज मिलेगा जी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कैलाश जी आपके खाते में पैसा गया क्या? नहीं गया सर। समर्थन मूल्य क्या, किस बात का पैसा डाला है अभी विकास जी आपने? सारे भावांतर 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 का भुगतान हुआ क्या? गेहूं गेहूं बोनस नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। अरे विकास जी सुन लीजिए, आपने समर्थन मूल्य पे जी अपना अनाज बेचा है तो यकीनन उसका पैसा तो मिला होगा ना, वो बैंक खाते में ही आया होगा पैसा, नगद तो मिलता नहीं है। एक मिनट कैलाश जी, मिला क्या? विकास जी बोल रहे हैं उत्तर लगता है 10 बार बैंक खाता दे दिया साहब, उसी सरकारी बैंक का खाता है जी, तो नहीं आया? नहीं आया सर। विकास जी नहीं कोई बता दीजिए नहीं कोई आपके प्रकरण की कोई पेचीदगी हो सकती है उसे कैलाश जी, विकास जी का मैं नंबर दे दूंगा बीजेपी कार्यालय जहां बैठते हैं, बाकी सामूहिक कल के खातों में पैसे डाले गए वो इसी व्यवस्था में कि एट टाइम सबको मिल रहा है निश्चित रूप। आपका नंबर दे दूं उनको, यहाँ फोन करने की जगह अब आपका प्राण ले लें वो फोन कर। मैं आपसे फोन नंबर लेके फोन करूंगा। चलिए एक और दशक है। कुछ ही से धनराज जी सवाल सवाल करें। धनराज जी सवाल सुन रहे हैं? संपर्क कट गया जी। फिरोज जी जी आपसे सवाल यही है, एक तरफ तो पूरी पार्टी में हमें एकता दिख रही है, जोश दिख रहा कार्यकर्ताओं में, लेकिन आज भी आप एक तरफ 15 साल के मुख्यमंत्री, 1999 में सांसद हो गए थे, 1990 में विधायक थे, उनके मुकाबले आप एक पहली बार जो विधायक खड़े हैं उनकी यात्रा निकलवा के आप कहां तक बाजी मार लेंगे, क्या सोच रहे हैं आप? भले आप परिभाषित कर दें कि नहीं शिवराज जी से बड़े हमारे जीतू पटवारी नेता है, लेकिन हम भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही, शायद हमारे पूर्व विधायक समृद्धि जी ज्यादा अच्छा समझ रहे हो, समृद्धि जी समझ रहे हैं ना आप जी जी। एक तरफ कैसे कमलनाथ जी सभा ले रहे हैं, हालांकि भीड़ आपके यहां भी आ रही है मैं मान रहा हूं, आप कहेंगे यही, लेकिन
इस भीड़ का मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ही केवल आप चल रहे हैं फिरोज जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के ही भरोसे चल रही है। अभी तक हमारा नेगेटिव कैंपेन चल रहा है कि हम सरकार की कमियों को जनता के बीच ले जा रहे हैं, सरकार की पोल खोल रहे हैं। पॉजिटिव कैंपेन कब से हुआ? हाँ, सुनिए, सुनते जाए, नवंबर तक चालू कर देंगे। हाँ हाँ, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। हाँ, चलिए, पॉजिटिव कैंपेन का उत्तर आने दीजिए। पॉजिटिव कैंपेन में जैसे अभी एक बात आई हमारी, राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 दिन में हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आपको लाभकारी मूल्य देंगे फसलों का जी। इसके बाद हमारा महिलाओं का वर्ग है, युवाओं का वर्ग है, बेरोजगार युवाओं का वर्ग है, मजदूर हैं, संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कर्मचारी वर्ग है, बहुत सारा है जो अभी हमारा घोषणा पत्र आना है। और हमने पहले भी ये तय किया था कि 100 दिन में हम हमारे संगठन को बिल्कुल ग्रास रूट के लेवल पे रीऑर्गेनाइज कर देंगे, वापस संगठित कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। हमें तो नहीं दिखते। आप देखिए, हमारे पास तो ना कलेक्टर है, ना आशा कार्यकर्ता है, ना पटवारी है, लेकिन हमारे यहाँ भीड़ इतनी क्यों आ रही है? कोई सी रैली आप बता दीजिए कि जहाँ 10-15 लोग आए हों, आप बता दीजिए कोई नुक्कड़ सभा हमारी। ये पंकज जी से हम कहलवा देंगे क्यों भीड़ आ रही है। नहीं, ठीक है, पंकज जी कुछ भी कह सकते हैं, वो पत्रकार हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। दूसरा, अब हमारा जो कैंपेन चल रहा, अकेले जीतू पटवारी जी नहीं है, सिंधिया जी अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी सभाएं हो रही हैं बड़ी बड़ी, कमलनाथ जी की भी सभाएं हो रही हैं, और दिग्विजय सिंह जी, बावरिया जी, ये लोग भी सब अपने संगठन के काम में लगे। आपने ये कहा कि उनके पास एक ही नेता है, आपके पास दर्जन भर नेता है। हमारा तो कहना यही है कि हमारे पास तो क्लस्टर ऑफ लीडरशिप है, हमारे पास सब नेता है, छोटा ही पड़ा हुआ है, आधा पन्ना तक पहुंच गए पूरे पन्ने से, और आप बोल रहे हैं उनके यहाँ टोटा पड़ा। अरे, आधा पन्ना तक पहुंच गए हैं तो ये इतने इनके पास अगर संगठन है, इतना सब कुछ है, तो ये प्रशासन क्यों भीड़ ला रहा है? क्यों ये मुख्यमंत्री जगह जगह गली गली नाप रहे हैं, मदारियों जैसी मतलब डुगडुगी बजा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं? नहीं तो आप सुनिए, आपको किसने मदारी बनने से नहीं, नहीं तो सुनिए ना, हम हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रही है कांग्रेस, हमारा अपना स्ट्रेटेजी है। ये कहां से आपने कह दिया कि जिला प्रशासन को आप बोल रहे हैं भीड़ लाए? हम तो आपने तय कर, अरे हमें पता है ये बातें, हम लोग बिना परिभाषित कर दीजिए, हम लोगों को बिना बात के कुछ नई बात नहीं है कि उसका उदाहरण है कि पीडब्ल्यूडी जो था, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, सब मंच ठीक नहीं बना था। क्या भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उन्होंने कब रसीद कटवाई पीडब्ल्यूडी से? अभी बता दूं। हाँ जी, तब तब कटवाई उन्होंने पीडब्ल्यूडी से, जब हमने मांगा तो जब तो दे नहीं पाए पार्टी जी। हाँ, तो एक फिरोज साहब, बहुत सारे उदाहरण है हमारे, आरोप जो आपने लगाया उसके ऊपर, हमने जिस दिन मांगी थी उस दिन आपने क्यों नहीं दी? अब आपने बैक गेट में कटवा ली तो हमारी क्या गलती? नहीं नहीं, बिल्कुल, जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा था जब क्यों नहीं दी आपने, विषय को माननीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वहां पे सरकारी व्यवस्था में सब चाक चौबंदी सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाती है। अगर स्टेज बनाने की भी बनाने की नहीं, उसका निरीक्षण कर लेंगे, उसका निरीक्षण कर, उसका निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी की वास्तव में मुख्यमंत्री के आश्रित होने लायक है या नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से पार्टी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ड्यूटी थी, उसने अगर अपने काम को सही ढंग से जवाब नहीं दिया है, रीइंस्टेट क्यों किया, वापस क्यों निलंबन वापस ले लिया? एक आदमी सरकारी कर्मचारी में तो आधा ही देना चाहिए, सरकारी 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 कर्मचारियों के लिए आपकी पार्टी का यही संदेश है। हमारा तो यही संदेश है कि या तो निलंबित किया सरकारी कर्मचारी, उसको आरोप पत्र देना था, बिना आरोप पत्र दिया आपने बहाल कर दिया, इसका मतलब क्या है? चलिए, आपके हम अच्छी खासी पंकज जी, और मैं ये कहता हूँ एक चीज और, सब किया गया, अगर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर का ड्यूटी प्रदेश बना दिया है, सफाई की रिपोर्ट आई 14 सरकार का कोई रोल नहीं है, प्रशासकीय कार्रवाई है, कलेक्टर किस स्तर पे, ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसमें भी ये नीचे निचले से दूसरे पायदान, तो मेरा ये कहना है कि बोंदरिया जी से मैं कहूंगा कि जो कमलनाथ जी ने 10 सवाल आपसे पूछे हैं वो बता दीजिए, और जो आपने संबल योजना बिजली के बिल माफ किए हैं उसमें बजट का प्रावधान कहाँ से होगा, ये दोनों चीजें जरा जनता को बता दीजिए। चलिए, वो बजट का प्रावधान वो अगली सरकार लागू हो पाई,
अगली सरकार बताएं पिछले साल ही बना ली थी ना भाई। अरे आपने बजट में पास नहीं कराया, क्योंकि बजट आपने बजट में पास नहीं कराया और कहते हैं कि अब हम ला देंगे, तो व्हाइट पेपर आप जारी कर दीजिए, कल जारी कर दीजिए उस 5,200 करोड़ हमसे और आपसे वसूले जाएंगे, हम बता दे रहे हैं ना जी। मध्यम वर्गीय परिवार चुनाव के बाद दूसरा प्रदेश की स्थिति ये है कि हजार करोड़ रुपए भी बाजार से जाके उठाती है, उसको बैंक नहीं दे रहे। चलिए हमारे साथ दर्शक है तीन अलग अलग, शिवपुर से कमलनाथ जी सारा सवाल करें, कमल कांत जी सारा सवाल करें। जी सर, मेरा सवाल यह है कि सर जो संविधान शिक्षक भर्ती है सर 2011 में जो निकली थी सर, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ सर, उनका मुख्यमंत्री आश्वासन पे आश्वासन दे क्या निकली थी संविधान भर्ती सर, वो नहीं निकली। हाँ सर, 2011 से अभी तक नहीं निकली। इस बात की गंगा में हाथ नहीं धो पाए तो मुझे नहीं लगता है कि अब धो पाएंगे। अभी अब 2021 का नहीं 23 का इंतजार करिए आप। एक और दर्शक है दिल्ली से, रमेश जी सारा सवाल करें। हाँ जी, मेरा सवाल ये बीजेपी के प्रवक्ता जी से है जी। इन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमने पूरा राज्य विकसित कर दिया जी, सड़कें बना दी, अब स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं लोगों के पास, तो ये सब तो और राज्यों में भी सबके साथ है, तो इसका मतलब सारे राज्य विकसित हो गए, तो ये क्यों कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा जी। चलिए, और भी राज्यों में ऐसा नहीं, पंजाब में नहीं है? पंजाब में भी मोटरसाइकिल है, कार है, रोड है, सब चीज है, क्या नहीं? कर्नाटक में देखिए, पंजाब सब जगह है, और अभी इन्होंने कहा हमने स्कूल विकसित कर दिए, और अभी पिछले बारिश में स्कूल के अंदर घुटनों तक पानी घुसा हुआ था, अस्पताल में घुसा हुआ है घुटनों तक पानी, इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। चलिए रमेश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप, कांग्रेसी है क्या? दिल्ली से जवाब आप नहीं, मैंने आपसे जवाब मांगा है। आप एक काम करिए, 2003 के रमेश भाई, आप सन 2003 के अखबार कभी उठा के पढ़ के देख लीजिए, आपको सूरत हाल 2003 का और आज आप खुद आंखों से देख सकते। चलिए एकदम से आया दर्शक, बिपिन जी सवाल सवाल करें। हेलो बिपिन जी सवाल करें। मैं कांग्रेस की नेताजी से बात कर रहा हूँ राम चौहान, कि आपने 10 साल आप सरकार में रहे, आपने क्या किया? आपने रोड उखाड़ दी, आपने बिजली पानी कुछ नहीं दिया। आपकी नगर पालिका है हमारे यहाँ 10-15 साल से भ्रष्टाचार मचा हुआ है पूरा। चलिए बिपिन जी, आपने वो जो ये मोबाइल के जरिए सदस्यता लेते हैं, ले ली बीजेपी की कि नहीं जी? मोबाइल के जरिए बीजेपी की सदस्यता ली आपने कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। फिर सही सवाल किया आपने, 10 साल दिग्विजय सिंह के शासनकाल की बात कर रहे हैं या मनमोहन सिंह के? नहीं दिग्विजय सिंह के। चलिए क्या किया इन्होंने? एक क्वेश्चन पूछ रहे ना बीजेपी से कि तो इसके कारण बंटा धार का उन पे ठप्पा लग तो गया, उसी की तो भुगत रहे हैं 15 साल से कांग्रेस, क्यों फिरोज जी? सही उत्तर दे रहा हूँ आपकी तरफ से। देखिए ऐसा है, मैं सही उत्तर दे रहा हूँ, जिस तरीके का प्रचार किया जा रहा है जी, जब दो राज्य अलग हुए थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हमारा जितना रेवेन्यू शेयर था सब छत्तीसगढ़ में रह गया, जितनी बिजली थी सब छत्तीसगढ़। पंकज जी की टिप्पणी ले ले पहले, फिर आप बता दीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एक और आखिरी अभी फिलहाल दर्शक है बालाघाट से, कृष्ण कुमार जी स्वागत सवाल करें। हाँ सर, बालाघाट से कृष्ण बनोटा सर जी, सवाल करें। शिक्षक के बारे में बोलना चाहता हूँ सर जी, संविधा शिक्षक के बारे में बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बताएं, जल्दी बताएं सर। छात्रों ने ऐसी कौन सी गलती कर ली कि 7 साल से शासन युवाओं को संविधा शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाए? चलिए संविधा शिक्षक कुछ को गड़बड़ होगा, विकास शिक्षक बनाने की शुरुआत, 7 साल जगत में संविधा का काम ही नहीं रख रहे। पंकज जी, जो भीड़ जुट रही है, हमने पूछा था फिरोज जी से, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि इनके पास नेताओं का टोटा है और इनके पास बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग यात्रा निकाल रहे हैं, एक तो इस पर टिप्पणी चाहिए। ये जो भीड़ जुट रही है, ये कहीं ऐसा तो नहीं दोनों ही पार्टी में, मैं बताऊं कांग्रेस में भी आ रही है बीजेपी में, जो उस क्षेत्र का उस समय का प्रत्याशी हो और जो दूसरा टिकट चाहने की चाहत में, वो हमें कहीं ये सख्त प्रदर्शन तो नहीं है अपने बीच में ही कि हमारे नेता आए हैं टिकट दिलवाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ में चले? पहले जो पहला सवाल किया उसका उत्तर चाहिए। देखिए जो भीड़ जुट रही है जी, तो कोई भी अगर चुनाव होता है और आम सभा होती है जी, तो जाहिर है कि पार्टी
जो भी आयोजित करती है सभा जी, तो संगठन के जिले के ब्लॉक के लोगों का दायित्व होता है कि वो भीड़ को जुटाएं जी। देखिए जुटाना शब्द आप उपयोग कर रहे हैं, कांग्रेस में था जुटाएं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति जो है वो जुटाने वाली नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी की सभा में भी, सभा मतलब रैली में भी, अगर बिंध और बुंदेलखंड में लोग इकट्ठे हो रहे तो ये एक मायने रखता है, ये एंटी इनकम्बेंसी है या जो लोग टिकट की चाहत रखते हैं वो लोग ला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी इतने फुर्सत में नहीं है कि वो अभी किसी विधायक की सभा में आएंगे या किसी जिला कांग्रेस अध्यक्ष की सभा में आएंगे या उनके पास अभी इतना समय नहीं है जी। वो जो भी लोग आ रहे हैं वो आपका कहना सही है कि जिनको टिकट चाहिए है, जो इंटरेस्टेड पार्टियां हैं वो अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी भीड़ जुटा रहे हैं जी। ताकि क्योंकि कल को यह भी प्रश्न उठता है कि साहब उस जगह पे ये सभा हुई थी तो वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या किया, इतने ब्लॉक होते हैं तो उन ब्लॉक अध्यक्षों ने क्या किया, तो ये जो है उनके ऊपर कोई गाज न गिरे, उनकी जो है टिकट के दावेदारी कमजोर ना हो, तो ये सारे फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं जी, मेरा ऐसा मानना है जी। और दूसरा जहां तक आपने कहा कि उसमें पूरब जी ने ये कहा कि इनके पास बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, इनके पास एक ही नेता है। नहीं ठीक है, जो चार बड़े नेता पार्टी के हैं जी, वो पार्टी के बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं जी, और जनता ने उनको नेता बनाया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा से जी एंटी इनकम्बेंसी में जी शिवराज सिंह चौहान अपने वही पुराने ही 10-15 साल के उनके जो जुमले हैं जी, और उनकी जो स्टाइल है जी, जिसकी काफी मिमिक्री भी टीवी पे और उसमें व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में आए दिन होती रहती है, और कई कलाकार जो है उनकी आजकल मिमिक्री कर रहे हैं जी, उस सब के बावजूद प्रचार तो वो पा रहे हैं जी, और उसकी चर्चा भी हो रही है जी। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का जो प्रचार अभियान चल रहा है जी, उसमें वो कहां इतना आक्रामक है और कहां उसमें इतना जोश खरोश है कि वो चर्चा का एकाएक विषय बन जाए जी। ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि एक व्यक्ति की जो यात्रा चल रही है इस प्रदेश में वो कांग्रेस की सभी यात्राएं उसके ऊपर भारी पड़ गई हैं। देखिए अगर कोई यात्रा कांग्रेस की भारी पड़ती है तो मीडिया उसके कवरेज को छोड़ नहीं सकता जी, भले मीडिया को पे बायस होने का चाहे जितना भी आरोप लगाया जाए, लेकिन फिर भी मैं बायस्ड अगर कोई मीडिया है, कोई मीडिया हाउस है, तो भी मैं समझूंगा कि वो किसी भी चीज की जो उसकी जो न्यूजीनेस है, वो जो न्यूज कंटेंट है उसको वो छोड़ नहीं पाएगा जी। तो ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं होता, और त्रिपाठी जी अगर आपको प्रतीत होता तो बताएं। नहीं हमें तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होता, मीडिया वालों को शुगर होता जा रहा है। तो एक कहते हैं, दो लाइन है पंकज जी, कि गांव में नीम के पेड़ कम होते जाते हैं, होते जा रहे हैं, और मीडिया के प्रति कड़वाहट बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है जा। और जुबा मीठी नहीं है लेकिन शरीर में मिठास बढ़ती जा रही है, ये मीडिया की स्थिति है अभी जी। तो मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भीड़ जुटाने या भीड़ कम होने, इन सब विवाद में पड़ने के बजाय, इन चर्चाओं में पड़ने के बजाय, इस प्रकार ऐसा नेगेटिव और पॉजिटिव की इसमें कोई बात नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं कि प्रचार अभियान कांग्रेस का अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वो कांग्रेस के प्रचार में कहीं ना कहीं परिलक्षित होना चाहिए, और लोगों को लगना चाहिए कि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं ये हम लोगों के मुद्दे हैं, और ये मुद्दे हैं कि जिसमें हम लोग 15 साल से पीड़ित हैं, पर ऐसा कोई नजर नहीं आता। और जन आशीर्वाद यात्रा में वो अपना जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। तो हालांकि अब ये बात भी सही है कि जब आपने एक बीमारू राज्य को विकसित विकासशील बनाया, विकासशील कर दिए हैं, अब समृद्ध की ओर ले जा रहे हैं। हाँ, विकसित बनाया, समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। तो जब ले जा रहे हैं और जनता आपसे सहमत है, तो फिर आपको यहाँ पर इतना लगातार जो है 3 महीने से सफाई देने की क्या जरूरत है जी। उसे विकसित हो चुका है क्या पंकज जी? ये तो मतलब विकासशील तक सुना था हमने, बीमारी आयोग की रिपोर्ट में कहा कि ये पिछली बार 14वें नंबर पे थे, इस बार 17वें नंबर पे। देखिए ऐसा है, मैं पहले आपको बता दूं कि नीति आयोग में अभिकांत
अभिकांत जी ने जो अपना एक मुद्दा उठाया था और उन्होंने कुछ राज्यों में जिस प्रकार से योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे दक्षिण के विकसित राज्यों पे जो कुप्रभाव पड़ रहा है उस पे उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। तब उनसे कहा गया अमिताभ कांत से कि आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि अमिताभ कांत ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था और उनका कहना था कि योजनाएं इस तरह से नहीं चलाई जा सकती और ये सारे बीजेपी के स्टेट थे जी। तो वो तो चीजें सही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के बीजेपी के कुछ बड़े नेता ऐसे हैं कि जिनके विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल कार्ड धारियों की संख्या 98% है। आप एसोचैम की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, किसी के हो सकता है एसोचैम की न हो लेकिन ये प्रमाणिक आंकड़े हैं। अगर प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं के क्षेत्रों में ये पता किया, 98% बीपीएल कार्ड कैसे बन गए जी। चलिए प्रश्न ये विकास जी से ही आपके द्वारा फर्जी वोटर बन सकते हैं। सुनिए सुनिए 25 लाख ध्रुव जी, बहुत बड़ी बात है जो पंकज जी ने उठाई है कि कोई भी राज्य अगर विकासशील से विकसित हुआ है तो बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या कम हुई है, गरीबों की संख्या कम हुई है। पंकज जी सही है? जी बिल्कुल। और हम विकसित हो गए हैं और गरीबों की संख्या बढ़ गई है, ये तो विरोधाभास हो गया। विकास जी एक सवाल भी है, एक सवाल शायद दर्शक आपसे ही सवाल कर रहे हो। इटारसी से कमल जी है, कमल जी स्वागत है, सवाल करें। बारे कमलनाथ जी, कमल फूल, कमल जी, जी कमल जी सवाल करें। त्रिपाठी जी मेरा सवाल है पंकज जी से जी, बीजेपी नेता से जो विकास जी है जो, हाँ सोसाइटी में जो बीमा आया हुआ 2012 खरीफ का जी, उसको हमारे खाते में समायोजन किया जा रहा जी, हमारे खाते में नहीं डाल के हमारे खाते में समायोजन किया जा रहा, जबकि वो पैसा हमारे बैंक खाते में आना चाहिए। समायोजन कैसे? खाते में समायोजन, वो खाद बीज में कटते रहेगा। अच्छा ठीक जी जी, पढ़े में बात को जो समझ चाहिए सही है क्या? आपको आपके खाते में बीमे का दावा राशि आई ना, अब आपका बैंक से कोई ऋण होगा वो चुकता होना होगा, यही बात कर रहे हैं ना आप 2017 में की। बैंक के और आपके बीच का व्यवहार है इसमें, सरकार तो कहीं आती नहीं ना। खाद बीज का समायोजन कर रहे हैं बता रहे हैं, खाद बीज का क्या, बैंक तो उधारी देता है ना, तब खाद बीज के क्या कमल जी क्या कहना है? हमारा कहना है हमारा पैसा समायोजन में जमा किया जा रहा है। तो कर्ज लिया था क्या आपने? नहीं, कर्ज हमारा क्लियर है। फिर कैसा समय तो फिर आप जाइए बैंकर के पास। चलिए दूसरा सवाल तो आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा वो तो। विकास जी उत्तर दे दीजिए, विकसित हो चुके हैं, गरीबों की संख्या बढ़ गई है, विरोधाभास नहीं। देखिए फिर हम समृति जी के पास थोड़ा संक्षेप में बोलिए जी। अगर हम अर्थशास्त्री की जुबान में बात करेंगे तब बात अलग ढंग से। ये अर्थशास्त्री की कैसी बात है? अमिताभ कांत जी अर्थशास्त्री है, वो कोई कल्याणकारी सरकार के नायक नहीं है। नंबर दूसरी बात, अगर हम सरकार संचालन की व्यवहारिक दृष्टि में बात करेंगे तो बात अलग ढंग से हो सकती है। नहीं तो ये गरीबों की संख्या बढ़ रही है और विकसित हो गए हम, ये बात कर रहे हैं। नीति क्या होनी चाहिए? अरे वक्त पड़ा, मध्य प्रदेश में अगर सूखा पड़ा है या बहुत अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, तो सरकार ने तो कहा, शिवराज जी ने कहा कि अरे साहब 50% से कम भी अगर फसल खराब हुई है तो आप तो पूरा मानिए। मतलब सरकार को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से कई बार बाहर विकसित के वक्त में कहां से आ गए? नहीं मैं बता रहा हूं, मैं इन्हीं मापदंडों की बात कर रहा हूं। अब पंकज जी ने एक बीपीएल कैटेगरी की बात की, आज हम समझ सकते हैं। मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा था जिसमें हम अगले संकल्प पत्र में लाएंगे कि हम क्या क्या। पंकज जी ने यह सवाल उठाया है कि चुनाव जीतने के लिए, पंकज जी सही है कि जो बड़े नेता हैं प्रभावशाली नेता हैं वो जिला प्रशासन पे दबाव देके बीपीएल कार्ड बनवाते जा रहे हैं, यही सवाल है। यही पंकज जी सही हूँ, पंकज जी से पूछ, पंकज जी सही हूँ मैं? जो अगर आता है बताता है, पंकज जी को बोल दीजिए, पंकज जी मैं सही हूँ। त्रिपाठी जी ये देखना चाहिए कि किन 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 नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में बीपीएल कार्ड धारियों की संख्या जो है सामान्य से ज्यादा है। अगर ये संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो हमारी समृद्धि कहाँ है, हमारा बीमारूपन कहाँ है जी?
इसका मतलब वो बना हुआ है। पंकज जी हमारे हमें 15 सालों में ये देखना चाहिए कि वहाँ उन विधानसभा क्षेत्रों में बीपीएल कार्डधारी पहले कितने थे और अभी कितने हैं। अभी ज्यादा है तो इसका मतलब तुष्टिकरण हुआ है। ये इनको देखना है फिरोज जी को, ये कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था पारदर्शी है। ग्राम सभा में आवेदन पढ़ा जाता है, नाम उल्लेखित किए जाते हैं, 1000 रुपए लिए जाते हैं बीपीएल कार्ड बनाने के लिए। आप ये सुन लीजिए फिरोज भाई, अरे हम आप ये बात पंकज जी, अच्छा आप एक बात बताइए और ये बताइए, समृद्ध बीपीएल कार्ड के विषय में सरकार, अरे हर घर के ऊपर लिखा जाए कि कौन सी योजना का लाभार्थी है, वोटर लिस्ट आप बताइए। जिसका बीपीएल कार्ड धारक है जो उसके घर की आर्थिक स्थिति आपको उजागर करने की विपक्ष का काम है, विपक्ष पारदर्शी व्यवस्था है। विपक्ष क्या होता है, किसे माना जाए, हालात भ्रष्टाचार व्यवस्था सरकार ने बना रखी है। अगर समृद्धशाली प्रदेश है, 5000 तो डॉक्टर नहीं है इनके अस्पतालों में, कुपोषण है नंबर वाले, एक भी चुनली अरे है, आप उस पर कभी भी आपत्ति कर सकते हैं। अरे हम, अरे भाई साहब हम तो वोटर लिस्ट, हमें तो वोटर लिस्ट में नाम कटवाने में ही आपसे पसीना आ गया। आप तो वो छोड़िए, गलत कह रहे हैं आप, जिस राज्य रहते हैं राजनीतिक, अरे जिस राज्य आप तो ये बता दो, अच्छा कुपोषण में नंबर वन क्यों जाएगी, चलो आप ये बता दो समृद्धशाली कुपोषण में नंबर वन क्यों है, आप ये बताइए 2003 में कुपोषण की, आप तो ये बता 2003 तक ऐसा होगा हुए कि नहीं हुए, तो बोल रहा है ना आप तो 2003 तक बोल रहे हैं आपको 2000, ये बता दो, अच्छा ये बता दो 22000 स्कूलों में टीचर क्यों नहीं, वो तो डॉक्टर क्यों नहीं है, अध्यापक डॉक्टर क्यों नहीं है, लेके आइए कल अपॉइंटमेंट लेटर मैं दिलवाता हूँ, ठीक है, आप कल डॉक्टर लेके आइए अपॉइंटमेंट लेटर हेल्प मिनिस्टर, इससे जनता को क्या आप नारा लगा रहे विकसित मध्य प्रदेश लगा रहे हैं, आप क्यों नारा लगा रहे हैं विकसित मध्य प्रदेश, चलिए चलिए किशोर जी आप सरकारी ये बताइए किशोर जी बैठे हैं, किशोर जी विकसित हो रहे हैं हम, समृद्ध की ओर जा रहे हैं, नंबर एक क्या, दूसरा क्या सिर्फ आप सत्ता की कुंजी की जो बात कर रहे हैं, आप इसमें किसी से गठबंधन करके सत्ता कुंजी लेंगे कि अकेले जीत करके दोनों को बार्गेनिंग करेंगे बीजेपी कांग्रेस दोनों से, पहला ये कि विकसित हो चुके हैं क्या हम। देखिए त्रिपाठी जी जी, सबसे पहली बात तो 15 साल में जो सरकार है ये अपने मूल उद्देश्य से भटक गई, एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना होती है, जनता को जो सुविधा देने की बात होती है, सरकार वहां से हटके सरकार कारपोरेट हो गई है जी। और सरकार ने हर काम के लिए जनता से पैसा उगाना और करप्शन करना शुरू कर दिया। आपने देखा लोक सेवा गारंटी के माध्यम से लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं उसकी भी फीस होती है जी। दूसरी बात, अभी इस पूरे प्रदेश में एक भाजपा को हटाना लोगों में एक जन आंदोलन बन गया है जी। भाजपा के लोगों को शायद पता नहीं, उनके जो नौकरशाह हैं और उनके पास जो लोग हैं वो उन्हें ये बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक जन आंदोलन बन चुका है भाजपा को हटाना देश से और प्रदेश से। इस बात को भारतीय जनता कांग्रेस आ जाएगी तो क्या समृद्ध प्रदेश बना देगी, इससे नहीं मतलब है, मतलब ये कि जनता का जिससे मन मोह भंग हो चुका है जनता उसे हटाना चाहती है ना। देखिए दूसरी बात, मोह क्यों भंग हो रहा है, मैंने आपसे क्या बोला कि सरकार कारपोरेट हो गई है, जनता के कल्याण की बात नहीं कर रही है सरकार, जनता से पैसा लूट के ज्यादा से ज्यादा धन वसूली। आज 15 साल में इनके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता देखो, अभी सब क्या, अगर आप इनकम टैक्स के छापे डलवाओगे, लोकायुक्त के छापे डलवाओगे तो करोड़ अरब रुपए आपकी शिकायत पे डल सकते हैं। ये चीज तो कांग्रेस और आप 2013 में भी कर रहे थे। मैं दूसरी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ये वही सरकार है, जब मध्य प्रदेश जब 2003 में सरकार में आई भाजपा तो उस समय 24000 करोड़ का कर्जा था इस सरकार पे, अब 175 लाख करोड़ का कर्जा है इस सरकार पे। दूसरी बात, इस मध्य प्रदेश में सीएम की पार्टनर जो दिलीप बिल्डकॉन है उसका वो कंपनी जो 2 लाख रुपए का भी उसका नेटवर्क नहीं था, जो 75000 करोड़ की मालिक है, सारे टेंडर उसके, सारी सप्लाई उसकी, तो सरकार के करप्शन को प्रभावित करता है। दूसरी बात, ये वही सरकार है जिसने किसानों पर गोली चलवाई, मजदूरों पे भी गोली चलवाई, जेपी सीमेंट पे आपने देखा सन्नी गौड़ जो उसका मालिक उसने गोली चलवाया, उसमें सुषमा कमीशन सुषमा क्यों कांग्रेस ने नहीं चलवाई थी क्या, आप मेरी बात सुनिए, 15 साल कांग्रेस ने जो चलाई हमने उसको बेहतर प्रदेश बनाने के लिए भाजपा को मौका दिया ना जी। हम दोनों की बात कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस की बात, कांग्रेस में मुलतई कांड में 27 दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, मुलतई में इनने चलाया,
मंदसौर में फिर इनने चलाया जी। तो ये दोनों ही बराबर के लोग हैं। दूसरा बीपीएल के नाम पे कांग्रेस ने भी जनता को छला है, बीजेपी ने भी छला है। अभी आपने देखा अशोकनगर में एक एएफओ को जनता महिलाओं ने पकड़ा कि बोले जो पीडीएस में खाद्यान्न आ रहा है वो हमारे खाने लायक नहीं। तो अब जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में गरीब जनता के लिए खाद्यान्न भी अच्छा उपलब्ध नहीं कराएगा, जनता उसे कैसे लाएगी, उसकी मीठी बातों में कैसे जनता आएगी। तो इस समय जो मध्य प्रदेश तो बीजेपी ही जीत रही है सब जगह। देखिए उनके कहने से कोई थोड़ी सपना देखना तो कभी भी देखो अभी जो जी बार बार कांग्रेस और संदीते जी बात कर रहे हैं बीजेपी ने 15 साल में ऐसा खराब काम किया। अरे साहब क्यों जनता का अनादर करते हैं? दो चुनाव जनता ने बीजेपी पार्टी को जिता के दिए, क्योंकि उनने अच्छा काम किया। मैंने जनता का आपने चार साल की चर्चा जनता का आपने अनादर किया 15 साल में। अब जनता जागी है, अब जनता देखिए अभी जनता जागी है, अब जनता नहीं 15 साल 4 साल की समीक्षा कर सकते हैं। नहीं प्यार ये बता दी हर जनता का अनादर कर रहा है। घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ही नाम क्यों आता है? सागर भी यही कह रहा है आदमी आपका राजनीतिक मेरा तो कहना 15 साल की सरकार की सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए व्यावसायिक और प्रशासनिक, तो उसमें सरकार के कामकाज का अपना बात सामने आ जाएगी। दूसरी बात सीएजी को प्रोसिक्यूशन का सरकार को पावर देना चाहिए ताकि सीएजी प्रोसिक्यूट कर सके, तो आप देखेंगे बहुत से लोगों का सब ठिकाने लग जाएंगे। अब आपको सुनना है सीएजी की रिपोर्ट, 2% खाद्य सुरक्षा मिशन में लोगों को फायदा हुआ है, कुल 2% सीएजी एक मिनट दलिया जो है फिरोजी आप जो राय जो था सीएजी उसको तो ये राज्यसभा का एमपी बना रहे थे। आपका क्या कहना है त्रिपाठी जी, ये जो संवैधानिक संस्थाएं ये सब फर्जी है? नहीं आपका यही कहना है। अरे आपने कहा तो मैं बता रहा हूँ ना, आपने कहा सीओजी की रिपोर्ट सही है, फिर जब को अरे तो अरे हम पॉलिटिकल नहीं है, आप हमारी बात सुन लीजिए। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट कोल घोटाले से लेके कई घोटालों में आप लोगों को दोषी मानती यूपी सरकार को, ठीक है सही बात है। उसके बाद फिर कोर्ट ने जब निर्णय सुनाया कि आपको सबको बरी कर दिया, तब आपने कहा कि सीएजी गलत थी, आज आप बोल रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट सही है, तो दोनों चीज कैसे नहीं, नहीं, नहीं तो सही बात है। आप ये देख लीजिए कुपोषण में जो नंबर वन आ रहा है उसके कनेक्टिंग इंडेक्स भी साथ में चल रहा है, मतलब सीएजी की रिपोर्ट कहीं न कहीं से भाषा नहीं है। दिल्ली में सीएजी ने अगर कोई ऑडिट किया है उसमें इंटरिम क्वेरी बनी है, एक मिक्सिमो कोई इंटरिम क्वेरी मंगी, उनने कहा ये डेटा नहीं मिलान कर रहा, उसको ऑफिसर्स अपनी क्वेरी को पूरा करते हैं उसकी डिटेल के साथ किया गया है। त्रिपाठी साहब दूसरी एक बात और है, फाइनल रिपोर्ट इन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश को समृद्ध बना दिया, समृद्ध पहले बीमारू राज्य था, अब इसको हमने समृद्ध बना दिया। कमलनाथ जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा की सड़कें अच्छी है, छिंदवाड़ा में भी आपने पातालकोट देखा वहां का ट्राइब्स कैसा रह रहा है, बैगा को देखा आपने, भारिया को देखा, मंडला बाला डिंडोरी बैगा रहते हैं, सोमालिया बोस्निया से भी बदतर स्थिति वहां पे लोगों के जीवन के स्तर की। भारिया सहारिया को आप देखो, झाबुआ में जाके आप सब ये सारी स्थितियों को देखो। तो जो ट्राइब्स का जीवन है जो भाजपा जो इन 15 सालों में नहीं बदला, कांग्रेस के 45 सालों में नहीं बदला, 50 सालों में नहीं बदला, तो ये सरकारें जो इतना करोड़ों रुपए का जो बजट आता है अगर वो लोगों का जीवन स्तर को नहीं बदल सकती तो इन्हें जुमले पढ़ना, इनके विधानसभा में आश्वासन समिति के कितने आश्वासन होंगे, अब तक वो पूरे नहीं हो पाए, मुख्यमंत्री कितनी घोषणाएं, दिग्विजय सिंह के समय की निकाल लो, शिवराज सिंह के समय की निकाल लो, तो ये सारी घोषणाओं के दम पे थोड़ी चलेगा सरकार भी। सरकार का जो जनता का जो हम पैसा लेते हैं जो टैक्स लेते हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। बीएसपी कुंजी में आ जाएगी सब बदल देगी क्या? बिल्कुल बदलेगी, बीएसपी ने काफी बदला, उत्तर प्रदेश में नोएडा आप देखिए दिल्ली से लगा हुआ है, नोएडा ज्यादा तरक्की है, चाहे मुलायम सिंह किया हो बहन जी ने किया, नोएडा की सड़कों में आप चल नहीं सकते, नहीं फिर भी बेहतर है भोपाल की सड़कों से बेहतर है नोएडा नोएडा भी भोपाल की अमेरिका से अच्छी जी।
चलिए पंकज जी, हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे। खैर ये तो अपना अपना तर्क है, कांग्रेस प्रतिपक्ष में है तो अपना आरोप लगाएगी ही, वो सत्ता पक्ष में है तो आरोप का उत्तर देंगे ही। समृति जी तो सत्ता की कुंजी लेके बैठे हैं, इस भरोसे की किससे कर रहे हैं गठबंधन समृति जी, कांग्रेस से बीजेपी से? देखिए अभी तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस दल मध्य प्रदेश में हमारे दल की राज्य स्तरीय जो मान्यता बनी रहना, और हमारे कम से कम 14 एमएलए होना चाहिए, 6.5% से ज्यादा हमारे पास वोट होना चाहिए, हमारी पहली तैयारी है। चलिए तो ये तैयारी इनकी जो है पूरी होगी पंकज जी गठबंधन। और दूसरा ये जो फिर ये जो भीड़ आ रही है, क्या ये मतदान क्या ये वोट में परिवर्तित होगी, जो भी चाहे ये इकट्ठा कर रहा हो, चाहे वो चाहे शासन जो उनका आरोप है शासन प्रशासन कर रहा, इनका आरोप है कि नहीं वो जनता स्वयं आ रही है, क्या ये मतों में परिवर्तित होगी उनके पक्ष में, नंबर एक। और दूसरा जो समृति जी बोल रहे हैं ये पूरा होगा क्या? देखिए दो चीजें इसमें सामने आई हैं जी, मैं दोनों को बताना चाहूंगा। एक बात किशोर जी ने ये कही है कि दिलीप बिल्डकॉन के बारे में जी कि लगातार उनको इन 15 वर्षों में 10 वर्षों में जितने भी वर्ष हैं लगातार उनको ही एक तरफा पर्सनल किसी पे आरोप ले जाना चाहते हैं, ये पर्सनल ये राजनीति मैं इसमें त्रिपाठी जी ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है जी तो कांग्रेस 15 साल से विपक्ष में क्या कर रही है जी, कांग्रेस ने इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जी, है ना? वो कह रहे हैं कि हम लोक हित के विषयों को उठाते हैं, तो उनके लोक हित की परिभाषा क्या है जी भाई? जो कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन हो सकता है उसी बीएसपी के प्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं जी, तो ये एक चीज है जी। दूसरी चीज जो आपने कही है वो बीएसपी के बारे में, तो आपको त्रिपाठी जी ध्यान होगा कि पिछले दिनों अचानक ही ये जब गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी जी, तो बीएसपी के तत्कालीन अध्यक्ष को एक सभा में उनकी जानकारी के बगैर ही अचानक हटा दिया गया और दूसरे की ताजपोशी हो गई। तो वो मामला वहां पर जिस प्रकार से कार्य होता है, पंकज जी वो मामला दूसरा था, बसपा नेत्री ने ही आरोप लगाया था उन पे चारित्रिक उन अध्यक्ष को हटाने के लिए, समझे जी ने भी सिफारिश की थी जी या जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीएसपी का अभी तक जो दृष्टिकोण है वो अभी साफ नहीं हुआ है जी, गठबंधन की स्थिति क्या है यह भी साफ नहीं हुई है, कांग्रेस किसके साथ जा रही है किसके साथ नहीं जा रही है, कांग्रेस आपस में ही कितनी एकजुट है, ये तमाम प्रश्न अभी हैं। इसलिए बीएसपी का मुद्दा जो है वो बीएसपी का जो वोट बैंक कहाँ है वो सब जगह स्पष्ट है, गोंगपा का कहाँ है वो सब जगह स्पष्ट है, तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा इसकी उम्मीद मुझे नजर नहीं आती। हाँ इतना जरूर है कि जो ये बात लगातार इस पूरे बहस में की जा रही थी कि जो प्रचार अभियान चल रहा है और जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि उसमें अभी जो कैंपेन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो कुछ चीजें और स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी प्रचार में जो गति आना चाहिए थी वो गति अभी आई नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पे हम जानना चाहेंगे, फिरोज जी ने कहा जी काफी तीखे उसमें लहजे में उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ की सीएजी की रिपोर्ट सही है लेकिन केंद्र में जो सीएजी की रिपोर्ट दी गई थी वो गलत थी, ये क्या है? त्रिपाठी जी आप ये बताइए कि सीएजी जैसी एक संवैधानिक संस्था है जी, और वो कोई भी रिपोर्ट दे देती है, कोई भी आयोग रिपोर्ट देते हैं, सरकार उन पे इतना खर्च करती है, सरकार उन पे सुविधाएं जहां जुटाना होती जुटाती है, और कई बार तो समितियों की उपेक्षा कर देती है, कई बार तो आयोग भी अपने कार्यकाल को जानबूझ के धीरे धीरे काम करके बढ़ाना चाहते हैं जी, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उन पे कोई अमल तो होता नहीं। दिल्ली में सीएजी की इतनी रिपोर्ट आई, मध्यप्रदेश के संदर्भ में उनकी रिपोर्ट इतनी आई, उनमें मीडिया में चर्चा होती रही लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो रिपोर्ट क्या आई है अब ये कोई मुद्दा ही नहीं बचता है। लेकिन जो यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार का गंगा बहने के जो आरोप लगे हैं वो सीएजी की रिपोर्ट्स जो आई उनके आरोप आधार पे ही लगे थे जी, और उस सरकार चली गई यूपीए की सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, सबसे बड़ा मुद्दा था। अब ऐसी स्थिति में अगर न्यायालय ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई हुई वो पलट दे तो फिर क्या मानेंगे आप? मतलब न्यायालय ने अगर उसको पलटा है तो पलट दिया है ये राजा, सब लोग दो विकास जी, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जी,
क्योंकि न्याय और न्यायालय की का जो निर्णय आया है अभी कहीं उसको चुनौती दी नहीं गई है या उसको पुनर्विचार में लिया नहीं गया है। पुनर्विचार तो याचिकाएं लगी हैं, अभी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, राजा उसको एडमिट नहीं किया है। ये राजा लड़ाई तो गई, ये राजा अगर मुक्त हुए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, टेक्निकली अगर वहां पे चीजें नहीं निकल के आई तो वो मुक्त हो गए कि सीधा सीधा उनका एक लिंक नहीं बैठ पाया। लेकिन पब्लिक डोमेन में आप देखिए, अगर गलत ढंग से ठेकों के लिए नीति बनाई जाती है, वो कैबिनेट के द्वारा नहीं तय की जाती, अगर शॉर्ट रूट उसमें फॉलो किया जाता है, आप उधर मत जाइए, वो तो अरे एक मिनट, तो विकास जी यहाँ की जो सीएजी रिपोर्ट दे रही है आपकी सरकार के खिलाफ वो भी सही है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, त्रिपाठी सीएजी दो तरह की रिपोर्ट, एक होती है इंटरिम क्वेरी करता है सीएजी, उसके बाद में प्रशासनिक संस्थाएं उसका जवाब देती है, मतलब जो चीजें क्वेरी में पूछी जाती है कि भाई ये इसमें ऐसी कमी आ रही है, मैचिंग नहीं कर रहा है डेटा, तो क्या है, तो प्रशासनिक ऑफिसर्स अपनी क्वेरी पूरी करते हैं। आप कोई भी ऐसी बताइए बात जहां पे फाइनल रिपोर्ट में दिक्कत आई हो। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो हमने तय किए थे मापदंड अचीव करने के, वो कम ज्यादा हो सकते हैं, हमारा समय समाप्त हो गया विकास जी, समय समाप्त हो गया विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में, पंकज जी आपका, किशोर जी आपका और फिरोज जी आपका। तो आज की चर्चा का फलसफा यह रहा कि सूबे में विकास कार्यों के दावे और सरकार की नाकामी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसमें मतदाताओं को रिझाने के लिए यात्राओं पर जोर दिया जा रहा है। दोनों ही दल इन यात्राओं में जुटने वाली भीड़ों के वोट बैंक में तब्दील होने के लिए अस्वस्थ जा रहे हैं, लेकिन इन यात्राओं में सूबे का कुछ भला नहीं होगा, इसका जवाब किसी भी सियासी दल के नेता के पास न है और न होगा। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश के सियासी दल इन यात्राओं पर होने वाले खर्चों को उन मतदाताओं की मूलभूत जरूरतों के लिए खर्च करेंगे, जिनके दम पर जाकर हमारे माननीय वोट मांगने की दास्तां लिख रहे हैं, ताकि मतदाताओं को इन माननीयों पर विश्वास का ठप्पा लग सके। मगर जनता इस मर्तबा किस दल पर विश्वास जताएगी, इस सवाल पर अभी भी राजनीतिक पंडित कुछ कहने से बच रहे हैं। बहरहाल आज की इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम, जनता मांगे जवाब।